भाई अभी हमने थोड़ी दिन पहले 6 लैपटॉप की वीडियो बनाई थी, एसुस के 6 लैपटॉप, एक ही वीडियो में खुले थे, 10 लाख से भी ऊपर के लैपटॉप थे वो। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि कमेंट करके बताना किस लैपटॉप का रिव्यू आपको पहले चाहिए, और उस वीडियो में मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट्स मिले एसुस ROG Strix G16 के लिए, क्योंकि ये जो लैपटॉप है i9 13980 HX प्रोसेसर के साथ आता है 4080 के साथ, और इसकी डिमांड ज्यादा रखने का एक और रीजन था क्योंकि MSI का GE Raider हमने रिव्यू किया था, जो भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, लगभग सेम सारी चीजें हैं, वो 3,30,000 का है, ये 2,80,000 का, भाई 50,000 का डिफरेंस है, तो हम वो क्यों लें, ये क्यों ना लें। तो मैंने कहा ये बात वैलिड है, तो इसको रिव्यू करते हैं, और जो भी मोटी पार्टी वाली ऑडियंस है उनके लिए वीडियो होने वाली है, बाकी मजे लेने वाली ऑडियंस फटाफट से कमेंट कर दो, लाइक मार दो, पूरी वीडियो देख के जाना, जैसे हम मजा ले रहे हैं डब्बा खोलते हुए, आप मजे लो वीडियो देख के, है कि नहीं। डब्बा खोल लेते हैं, यहाँ पे भाई हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है, इस बार इन्होंने ऐसा लंबा सा डब्बा दे दिया ROG Strix का ना, और ये खुलता भी डिफरेंट तरीके से है, यहाँ पे ऐसा खोलो और ये पूरा मिठाई के डब्बे की तरह कुछ ऐसे निकल जाएगा इसके अंदर से। और ASUS के डब्बों में एक चीज मुझे बढ़िया लगती है, इसको डब्बे को जैसे हम ऐसे खोलेंगे ना, ओ भाई लैपटॉप उठ के आगे को आ जाता है, और इसके अंदर हमारे को 330 वॉट का पावर एडाप्टर मिल जाएगा, और एक मिल जाएगी पावर कॉर्ड, और यहाँ पे मिल जाएगी थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत जिसे पढ़ने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक यहाँ पे प्लास्टिक की अटैचमेंट मिलती है ग्रे कलर की, ये वाली जो अटैचमेंट है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे को ट्रांसपेरेंट के अटैचमेंट मिलती है उसकी जगह दूसरी लगा लो, इससे फायदा कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसी दिखावे वाली चीज है कि मतलब हाँ कुछ दे रहे एक्स्ट्रा। और भाई लैपटॉप की सुंदरता आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऐसा हमारे को ओवरऑल लैपटॉप मिल जाता है, भाई ASUS की Strix सीरीज है तो एकदम प्रीमियम लुक के साथ आता है, एंड तुम में से बहुत लोगों को ना डाउट रहता है ASUS की सीरीज मतलब है कैसी, इसमें ना एक हायरार्की है, सबसे नीचे आती है इनकी वीवो बुक सीरीज जो थिन एंड लाइट में थोड़ी लो परफॉर्मिंग होती है, फिर आती है इनकी टफ सीरीज जो थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में और हाई परफॉर्मिंग होती है, और टफ की ही साइड बाय साइड सीरीज होती है ROG Strix G सीरीज, जो G15 G16 आते हैं वो टफ से थोड़ी सी बेटर होती है, उसके बाद आती है इनकी गेमिंग में स्कार सीरीज, स्कार सीरीज टॉप ऑफ द लाइन है गेमिंग में, फिर यहाँ पे साइड बाय साइड Zephyrus भी चलती रहती है जो अलग यूजर्स को टारगेट करती है, मतलब होते तो हाई परफॉर्मिंग है लैपटॉप, लेकिन Zephyrus सीरीज के लैपटॉप लुक वाइज गेमिंग जैसे नहीं होते, थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, तो आप समझ में आ गया ना। और यहां पे शुरुआत कर लेते हैं इस लैपटॉप की सुंदरता से, तो कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाएगा, यहां पे हमारे को जो टॉप लिड मिलती है वो मेटल की मिलती है, एंड इसके ऊपर बन रखे ROG के छोटे-छोटे लोगो, और उसके ऊपर बन रखा एक बड़ा सा लोगो, और ये वाला जो लोगो है भाई ग्लो करता है, इसके अंदर RGB के तड़के लगा रखे हैं, एंड जो टॉप लिड फ्लेक्स है हमारे को ना के बराबर मिलता है, एंड इंटीरियर हमारे को पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा, और अंदर भाई सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, एंड यहां पे अगर आप गौर से देखोगे ना तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन है, यानी कि अंदर की जो मशीनरी है ना वो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है ऊपर की साइड से, और ये ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसा नहीं कि बेकार बिल्ड क्वालिटी है, वो प्लास्टिक सॉलिड ही है, बट वो प्लास्टिक का टेक्सचर ऐसा है कि आर पार दिखाई देता है, कहीं सोचोगे भैया तो जल्दी टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है, और हिंजेस भी स्टेबल है, ऐसा कुछ ज्यादा वॉबल हमारे को नहीं मिलता, और इंटीरियर में भी हमारे को कुछ ऐसे ROG के लोगोस वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे ट्रैक पैड के ऊपर लिखा Strix कार, और कह रहे फॉर दोज हु डेयर, अब 2,80,000 का लैपटॉप है कौन डेयर करेगा खरीदने की, मोटी पार्टी वाले लोग। और पीछे से हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा, इंटेलिजेंट कूलिंग लिख रखा है, और यहाँ पे डुअल टोन है ब्लैक और ग्रे कलर में, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं, इवन पीछे की तरफ हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ इनटेक के वेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। और भाई इस लैपटॉप का वेट 2.5 kg के आसपास है, GE Raider से अगर कंपेयर करें तो भाई वो 3 kg के आसपास का लैपटॉप था, तो भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ASUS ने काम करा है, और 2.5 kg भाई अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे तो इतना तो एक्सपेक्ट करके चलना। और भाई सुंदरता की बात चल रही है, ऊपर से Strix सीरीज लाइट होगा तगड़े नशे, यहाँ पे हमारे को कीबोर्ड में भाई देखो पर की RGB मिल जाएगी, पीछे हमारे को यहाँ पे अलग से RGB स्ट्रिप इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी, लोगों में इसके अलग RGB है, सामने हमारे को एक RGB की स्ट्रिप अलग और मिल रखी। बहुत ज्यादा नशा हो गया भाई साहब, मतलब ओवरलोड हो गया तो RGB का। FPS मिलेंगे इनफिनिट, और ये जितनी भी RGB है ये सारी की सारी आप इसके आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाते हैं हमारे को, इवन हम स्टैटिक कलर भी कर सकते हैं, अपना हिसाब से कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो कीबोर्ड हो, लोगो हो, या पीछे की RGB स्ट्रिप हो, या इवन आगे की RGB स्ट्रिप हो, तो जैसा आपको अपना गेमिंग सेटअप करना है लैपटॉप की RGB के तड़के वैसे कर लो, मर्जी आपकी है। अरे यार इसकी सुंदरता में इतना हो गया, आपको स्पेसिफिकेशन तो बताया नहीं, इंटेल कोर i9 13980 HX प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 24 कोर 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 8P कोर 16E कोर, RTX 4080 के अंदर मिलता है भाई 12GB RAM वाला GPU, जिसकी TGP है 175W, डुअल चैनल में 32GB RAM मिलेगी DDR5 4800 MHz क्लॉक स्पीड वाली, और यहाँ पे 1TB की Gen 4 SSD जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भाई एकदम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड, और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ही आता है। और भैया फ्लैगशिप लैपटॉप है, पैसे पूरे भर रहे हो, MS Office साथ में मिलेगा, सिर्फ गेमिंग ही नहीं ऑफिस वाले काम भी आप आराम से मतलब कर सकते हो, बढ़िया चीज है। और इसके अंदर हमारे को दो साइजेस और मिलेंगे, ये स्कार 16 है जो 16 इंचेस वाला है, फिर एक स्कार 17 है जो 17 इंचेस वाला है, उसके अंदर आपको AMD का राइजन प्रोसेसर मिलेगा, एंड यहाँ पे एक 18 इंचेस का वेरिएंट भी है, मतलब 18 इंचेस का लैपटॉप, इसको टीवी घोषित क्यों नहीं कर देते भैया। वैसे 18 इंचेस का जो लैपटॉप है ना उसकी चेसी थोड़ी सी बड़ी होगी, थर्मल्स आपको थोड़े से बेटर मिलेंगे, ऊपर से उसके कीबोर्ड के अंदर नमपैड इंक्लूड हो जाएगा, और जितने भी वेरिएंट्स मैंने आपको बताया ना सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबकी प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन वगैरह को चेक करनी हो तो वहां पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा कीबोर्ड मिल जाएगा, देखो टाइपिंग फील तो मिलती है,
प्रॉपर प्रीमियम और है आरजीबी वाला कीबोर्ड, लेकिन ये 16 इंचेस का लैपटॉप होते हुए भी हमारे को नमपैड इसके अंदर नहीं मिलता। हमारा ये 10 कीलेस वाला कीबोर्ड है और ऊपर हमारे को एक्स्ट्रा कीज मिल जाएगी, वॉल्यूम अप डाउन की, माइक म्यूट एंड म्यूट की, एंड अलग से मोड्स वगैरह की मिल जाती है। एंड ऊपर वाली कीज में हमारे को एम नंबर के साथ कीज दे रखी है, यानी कि ये मैक्रो कीज है। आप इसके आर्मरी क्रेट में जाके कोई भी मैक्रो असाइन कर सकते हो, चाहे वो कोई शॉर्टकट हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस आपको सेट करना हो अगर आप एडिटिंग करते हो, एंड इवन कोई एप्लीकेशन वगैरह असाइन करने हो तो वो भी ऑन द गो आप इसके ऊपर सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि नमपैड नहीं है तो इसके ट्रैक पैड में हम पूरा का पूरा नमपैड ला सकते हैं। यहाँ पे नम लॉक करके लिखा ट्रैक पैड पे, तो यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखोगे तो ऑन स्क्रीन आपका नमपैड आ जाएगा। तो अगर आपको जब भी नंबर वंबर यूज करना हो यहाँ पे ऑन कर लो, उसके बाद ऑफ करके नॉर्मली ट्रैक पैड यूज कर लो। एंड इसका ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल वाला है और मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है एंड यूज करने में प्रीमियम है, मतलब एकदम स्मूथ वाली फीलिंग आती है इसको चला के। और भैया गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, छेदों के बारे में बहुत टेंशन होती है, छेदों का मामला भरपूर है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पावर इनपुट का पोर्ट है, उसके बाद RJ45 लैन पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है और यहाँ पे मिलते हैं दो टाइप सी के पोर्ट, जिसमें से लेफ्ट वाला हमारा थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट है जो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है एंड 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। एंड दूसरा हमारा नॉर्मल USB 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है, ये भी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करेगा और साथ में 100 वॉट पावर डिलीवरी भी, और जिसको DP 1.4 समझ में नहीं आया यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप इन पोर्ट से ले सकते हो। और 100 वॉट पावर डिलीवरी का मतलब छोटे चार्जर आप लो 100 वॉट 150 वॉट वाले PD वाले चार्जर्स, उससे लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्ज नहीं होगा और पूरी परफॉर्मेंस नहीं देगा बट ट्रैवल करते वो चार्जर्स काफी काम आ जाते हैं, मतलब भारी नहीं होता ना हिसाब किताब कंधों पे। और यहाँ पे आखिरी में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है और राइट साइड में मिलता है हमारे को दो टाइप ए वाले पोर्ट जो USB 3.2 Gen 2 वाले हैं। तो भाई पोर्ट्स के मामले में मेरे को कोई कमी लगी, एकदम भरपूर मामला है। और जैसे कि हमारा Asus का लैपटॉप है तो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, दुनिया भर के फीचर्स होते हैं इसमें, सारे स्टैट्स आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, उसके बाद फैन स्पीड वगैरह दिखा देगा, GPU मोड यहाँ पे दिखा देता है जो मक स्विच होता है भी आगे बताता हूँ, एंड यहाँ पे CPU कोर की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, कितने पी कोर असाइन करने हैं कितने ई कोर असाइन करने हैं अपने सिस्टम पे वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग। उसके अलावा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे यहाँ पे पैनल पावर सेवर होना यानी कि 60Hz पे आ जाएगा तो उसके बाद आपकी बैटरी ज्यादा चलेगी, विंडोज की लॉक करनी हो, टच पैड है, बूट अप साउंड है, वो सब कस्टमाइज हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे गेम लॉन्चर मिल जाता है, ऐप कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, सिनेरियो प्रोफाइल आप बना सकते हो, शेयर कैमरा कर सकते हो माई Asus ऐप के थ्रू फोन पे डाल के, और यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह लॉगिन करनी हो। उसके अलावा यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे हमारे को साइलेंट परफॉर्मेंस टर्बो या अपने हिसाब से मैनुअल करना हो, और मैनुअल मोड का फायदा भी है, अगर आपके टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं तो आप यहाँ पे वोल्टेज कम कर सकते हो CPU की, एंड इवन GPU के टेम्परेचर तक का टारगेट आप लगा सकते हो ताकि आपके सिस्टम के ज्यादा टेम्परेचर ना जाए, ये अंडर वोल्टिंग की तरह ही है। उसके अलावा कीबोर्ड वाले ऑप्शन में आपको सारे लाइट इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे जो आपको ऑलरेडी बताई चुका हूं। और यहाँ पे पोर्ट्स की बात चली रही है तो दोनों जो टाइप सी पोर्ट है या इवन HDMI पोर्ट है तीनों से आपको RTX 4080 से डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा। तो एक्सटर्नल मॉनिटर पे लगा के अगर आप कोई भी टास्क करते हो गेमिंग करते हो तो फुल पोटेंशियल मिलेगा आपको आपके GPU का, क्योंकि GPU से डिस्प्ले रेंडर होगी ना। और वैसे तो इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम IGPU टू EGPU, क्योंकि इसके अंदर हमारे को मक स्विच मिलता है। आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे GPU मोड करके दिखाई देता है, इसके अंदर हमारे को चार ऑप्शन मिलता है, ऑप्टिमाइज्ड, इको मोड, स्टैंडर्ड एंड अल्टीमेट। जो हमारा अल्टीमेट मोड है इसके अंदर हमारी डिस्प्ले आउटपुट RTX 4080 से होगी, स्टैंडर्ड वाला हमारा हाइब्रिड है चेंज होता रहता है, और जो इको मोड है ना उसके अंदर GPU बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपको ऑफिस वाला काम करना है, कोई मूवी वगैरह देखनी है, GPU का कोई काम ही नहीं है तो आप लैपटॉप को इको मोड पे चलाओ, RTX 4080 बंद ही हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, IGPU पे ही लैपटॉप चलेगा। एंड इतना महंगा जब आप लैपटॉप लोगे तो डिस्प्ले होती है दुनिया भर की उम्मीद है और ये उम्मीदों पर खरा उतरता है। यहाँ पे मिलते हैं हमारे को 16 इंच की WQXGA डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है, और ये ROG की नेबुला डिस्प्ले है जो कि IPS लेवल वाला पैनल है एंड 100% DCI-P3 के साथ ही आता है। तो इसके अंदर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर लो, चाहे फोटो एडिटिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, या इवन कंटेंट वगैरह देखते हो ऑन OTT या YouTube वगैरह, भाई क्या दिखाई देते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त डिस्प्ले है। और इसके डिस्प्ले में हमारे को NVIDIA G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है, और डिस्प्ले तगड़ी पता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो अगर आप इंडोर यूज करते हो या इवन आउटडोर भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एंटी ग्लेयर वाला पैनल है और ये पैनल डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है एंड इवन HDR को भी सपोर्ट करता है। तो जो भी आप कंटेंट देखोगे डॉल्बी विजन वाला या HDR वाला तो बढ़िया दिखाई देगा। और कभी भी आप कोई भी HDR वाला टीवी खरीद रहे हो या कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हो ध्यान देना कि 500 निट्स की कम से कम ब्राइटनेस हो, HDR के असली मजे इतनी ब्राइटनेस में मिलेंगे, इससे कम ब्राइटनेस पे HDR इज लाइक गिमिक। और ये डिस्प्ले हमारी 240Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, साथ में 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, तो हाई FPS वाला ई-स्पोर्ट्स इसके ऊपर खेलोगे तो आपके पास एडवांटेज होगा, ज्यादा रिफ्रेश रेट का एकदम ठा किली किल भाई साहब। और इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने का एक और रीजन है, क्योंकि ये पैंटोन वैलिडेटेड है। पैंटोन वैलिडेटेड मतलब एक सर्टिफिकेशन है जिससे आपके डिस्प्ले कलर पैंटोन मैचिंग सिस्टम के साथ सही कर जाता है, तो एकदम एक्यूरेट आउटपुट आपको मिलता है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और इसी का माइक यूजर है लैपटॉप का, और वेबकैम है 720p वाला। मैं उम्मीद कर रहा था 1080p वाला मिलता जिस प्राइस का लैपटॉप है, बट 720p पे क्लैरिटी अच्छी खासी निकाल के दे रहा है। बाकी माइक कैसा है वो आप मेरे को जज करके कमेंट सेक्शन में बताओ। 280,000 के हिसाब से
यहाँ पे कंपनी का कहना है इसके अंदर हमारे को दो ट्वीटर मिलते हैं और दो बूफर मिलते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी है ना वो आती बढ़िया है, लाइक रिच है साउंड क्वालिटी, और दो बूफर होने की वजह से हल्का सा बेस भी फील होता है, लेकिन लाउडनेस इतनी ज्यादा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। साउंड क्वालिटी को अगर जज करूं तो अबव एवरेज कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और बहुत ही बेकार भी नहीं है। एंड भाई बैटरी, एसुस का महंगा लैपटॉप है तो 90 वाट आवर ये देते हैं, इसके अंदर भी 90 वाट आवर की बैटरी है, तो अगर आप बेसिक यूसेज करोगे लाइक इको मोड पे लगा दो, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लो, ऑफिस वाला काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो, हाई एंड वाला टास्क नहीं, तो ये नॉर्मल टास्क पे 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देता है। लेकिन फिर वही बात है, जैसे जैसे आपका यूसेज बढ़ेगा आपका बैटरी बैकअप कम होता रहेगा, हाई एंड टास्क अगर आप करते हो ना तो 1.5 से 2 घंटे का बैकअप मिलता है, वो भी बड़ा मुश्किल। एंड भाई अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, इतने पैसे खर्चे मतलब नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहला बेंचमार्क देखो, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने, उसके बाद गीकबेंच 6 के स्कोर्स आपके सामने, ये है 3D Mark Time Spy के स्कोर्स, और उसके बाद PC Mark 10, और हमने क्रॉस मार्क बेंचमार्क भी किया जो कंपैरिजन के लिए काफी काम आ जाता है, और यहाँ पे हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क जिसका स्कोर 6404, यानी कि 3D मॉडलिंग रेंडरिंग आर्किटेक्चर वाले कोई भी काम करने हो भाई 12GB VRAM वाला GPU है, ऊपर से TGP में कोई दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब मेरे चैनल की रेगुलरली जो वीडियो देखते ना वो समझ गए होंगे, i9 3980HX के जो स्कोर निकलने चाहिए थे ना वो ये लैपटॉप निकाल के नहीं दे रहा, यानी कि इसका CPU थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप, जैसे G-Rater से अगर आप कंपैरिजन देखो तो उसका Cinebench R23 का स्कोर 32,000 के आसपास है और वहीं पे इसका 29,000 के आसपास है। सिमिलरली Geekbench में भी डिफरेंस है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि थोड़ा सा कम प्राइस पर मिल रहा है लैपटॉप, लेकिन सच्चाई बताऊं इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना पैसों में डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है G-Rater से। एंड ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊं तो 4K 60 की वीडियो एडिटिंग हमने इसके अंदर करके देखी, बढ़िया चलवा गया, फोटोशॉप तो चलवा ही देता है, मल्टीटास्किंग किसी भी लेवल की कर सकते हो, अगर स्टूडेंट हो कोडिंग वोडिंग करनी है वो सब हो जाएगी, i9 3980HX है भैया, कुछ भी कर सकते हो, सिंगल PC लाइव स्ट्रीमिंग तक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं देगा, मतलब 2,80,000 क्या होते नहीं है कुछ, तो हमें परफॉर्मेंस के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबरों का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एंड मल्टी कोर के 1,000-2,000 पॉइंट से भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके नाम थर्मल स्पीड टेस्ट करके देख रहे थे, Cinebench R23 का थ्रॉटल टेस्ट चलाया हमने 10 मिनट वाला, एंड ये लैपटॉप मैक्सिमम 97 डिग्रीज तक टच कर गया था, लेकिन 97 टच करने के बावजूद भी कोई भी थ्रॉटल नहीं हुआ, यानी कि इसके जो टेम्परेचर है वो अच्छे से हैंडल ये कर पा रहा था, एंड इसके जो फैंस है हमारे को 6,000 से लेकर 7,000 RPM के बीच में चलते हुए मिलते हैं, एंड जो फैंस की आवाज है वो इतनी ज्यादा लाउड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं Acer Predator से उसके बहुत लाउड है फैंस, G-Rater के भी बहुत लाउड लगे थे मेरे को, इसके इतने ज्यादा लाउड नहीं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो, मेरे को याद नहीं हो सकता उनके फैंस थोड़ा इससे ज्यादा तेज घूम रहे हो, माइट बी। एंड तुम्हारा मोस्ट फेवरेट पार्ट गेमिंग, इसके अंदर हमने इसकी रेजोल्यूशन पे 1600p पे तो गेमिंग करी है, साथ में 4K पे भी गेमिंग करी है, क्योंकि इसका जो 4080 है ना भाई, आप गेमिंग टेस्ट पर नजर मारो, आप देखो 4K में भी कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करें Valorant, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 1600p है जो उसका नेटिव रेजोल्यूशन है, ग्राफिक्स क्वालिटी को रखा हमने हाई पे और बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। और भाई जैसे कि i9 वाला लैपटॉप है और हमारा Valorant CPU इंटेंसिव गेम है, 500 FPS के आसपास मिल रहा है, वैसे जो इसकी डिस्प्ले है वो 240Hz वाली है, 500 तक ये कैपेबल है अपने रेजोल्यूशन पे, तो अगर फ्यूचर में आपको कोई तगड़ा मॉनिटर लगाना और इस पे बढ़िया एकदम e-sports लेवल की गेमिंग करनी हो, Valorant में कॉम्पिटिटिव खेलना हो, तो आपका लैपटॉप कैपेबल है, आप इस पे ग्राइंड कर सकते हो। आप देख सकते हो 120 वाट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, वैसे आप चाहो तो आर्मरी ग्रेड में जाके इसके ऊपर लिमिट सेट कर सकते हो, कम वाटेज कर सकते हो, तब भी 90-95 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है इतनी तगड़ी वाटेज ड्रॉ करने पे भी, और यहां पे थर्मल्स के मामले में बढ़िया है एंड परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। उसके बाद हमने टेस्ट किया Red Dead Redemption 2 और सेटिंग्स को रखा फेवर क्वालिटी पे, एक तरफ DLSS ऑफ है दूसरी तरफ हमने रखा DLSS क्वालिटी पे, एंड यहां पे भाई डिफरेंस साफ है, 15-20 FPS का डिफरेंस आता है DLSS के अंदर, और उसके अलावा बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। एक चीज मैंने इस लैपटॉप में नोटिस करी वो है इसके GPU के टेम्परेचर, इसके GPU के टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जा रहे हैं, लाइक 90 वाट तक जीपीयू का टेम्परेचर मैंने आज तक किसी लैपटॉप में देखे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जीपीयू साइड में इसके थर्मल्स इतने अच्छे नहीं है, वैसे कोई जीपीयू साइड पे थ्रॉटलिंग नहीं हो रही, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट भाई टेम्परेचर सच में बहुत ज्यादा है अगर हम जीपीयू के हिसाब से देखें। उसके बाद हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं, सारी सेटिंग्स आपके सामने, और हाँ एक तरफ DLSS ऑफ है और दूसरी तरफ DLSS क्वालिटी पे, और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 4080 में भी ये इतनी खत्म सी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो यहाँ पे लैपटॉप के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, हो सकता है गेम में कोई ग्लिच हो गया। उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया आगे वेरी हाई सेटिंग
सेटिंग्स पे टेस्ट करें, रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी है, फ्रेम जनरेशन मिलता है इसके अंदर, तो एक तरफ ऑफ है और दूसरी तरफ क्वालिटी पे। और यहाँ पे वैसा बढ़िया एफपीएस मिल रहा है हमारे को आराम से 70, 80, 90 एफपीएस के आसपास रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगाते हो या 140, 150 एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, सीपीयू टेम्परेचर्स वगैरह, जीपीयू टेम्परेचर्स वगैरह वो आप देख ही सकते हो। फिर हमने सेम सेटिंग्स रखी, सारा कुछ सेम था, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने कर दिया हाई पे। एंड यहाँ पे भाई 4080 जीपीयू है तो तगड़ा, यहाँ पे रे ट्रेसिंग लगाने के बावजूद भी 70 प्लस एफपीएस, 80 प्लस समटाइम्स, और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया तो यहाँ पे 130, 140, 120 एफपीएस के आसपास निकल गया। मतलब 4080 वाला लैपटॉप ले ले तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। देन जान निकालने वाला साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट पे कर रहे हैं टेस्ट, फ्रेम जनरेशन मिलता है एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, रे ट्रेसिंग अभी के लिए ऑफ रखते हैं, और बढ़िया प्लेबल एफपीएस 60-70 ऑन रॉ परफॉर्मेंस एंड 100 प्लस ऑन फ्रेम जनरेशन क्वालिटी। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी लेकिन रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया, और उसके बाद रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बावजूद भी 25 प्लस एफपीएस दे रहा भाई ये रॉ परफॉर्मेंस में, जो कि मतलब प्लेबल नहीं है बट अच्छे खास है। वहीं पर फ्रेम जनरेशन लगाओ, कह रहा भैया क्या करें गेम में खिलवा दूंगा 70-80 एफपीएस अंधाधुन बूस्ट। फिर मैंने सोचा इस लैपटॉप को जरा 4K में घसीट के देखते हैं। हमने सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और यहां पे रेजोल्यूशन हमारा 2160 है, और उसके अंदर भी 300-400 एफपीएस दे गया, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। सीपीयू अच्छा खासा गर्म होना शुरू हो गया था। फिर हमने GTA 5 को टेस्ट करा और सेटिंग्स वही है सेम जो हमारी नॉर्मली थी, अल्ट्रा पे रखा हुआ सब कुछ, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे 4K पे 50-60 एफपीएस, यानी कि ये जीपीयू 4K गेमिंग करवा सकता है। बाकी रैम भी तो 32GB है ना, उसका भी काफी बेनिफिट हमारे को मिलेगा। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, यहां पे हमने वेरी हाई सेटिंग्स रखा है, फ्रेम जनरेशन हमने ऑफ रखी है लेकिन रे ट्रेसिंग हमने खोल दी थी। मैं देखता हूं 4K में कितना ही झेल पाएगा, लेकिन भाई 4K में 40-50 एफपीएस आप देख रहे हो रॉ परफॉर्मेंस के अंदर। तो यहां पे मतलब टेंशन नहीं है, यहां पे 4K गेमिंग आपको करनी हो, कंसोल लेवल वाले मजे लेने हो, टीवी वगैरह पे लगा के खेलनी हो, 60 एफपीएस इनफ है। यहां पे रैम भी देख सकते हो 18GB तक कंज्यूम हो रही है, और जीपीयू मेमोरी 11.5GB के आसपास, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि कितना ज्यादा 4K में चीजें कंज्यूम होती है। फिर मैंने कहा चलो साइबरपंक भी 4K में टेस्ट कर लेते हैं, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ है, प्रीसेट अल्ट्रा, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी क्योंकि जब वो 1600p में नहीं झेल पा रहा था तो 4K में कहां झेल पाता। तो यहां पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे 30-35 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं जो कि लगभग प्लेबल होते हैं, लेकिन उसके बाद वही अगर आपको फ्रेम जनरेशन लगाना हो या सेटिंग्स थोड़ी सी कम करनी हो, 4K में साइबर पंक भी आप आराम से खेल सकते हो। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Asus ROG Strix Car 16 का, और ये जो लैपटॉप है 280,000 का आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 4090 का वेरिएंट भी मिलता है जो 340,000 का है। एंड अगर यहां पे कंपेयर करते हैं सेम स्पेक्स वाले लैपटॉप जो मैं रिव्यू कर चुका हूं Alienware से कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर HK सीरीज का प्रोसेसर है जो HX से बेटर नहीं है, वो प्रोसेसर अनलॉक्ड भले ही है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 3980 HX से आपको कम मिलेगी। और भाई वो जो Alienware है वो बहुत ज्यादा ओवरप्राइज्ड है अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो, ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर आप एक फ्लैगशिप लैपटॉप देख रहे हो। और दूसरा MSI GE Raider से अगर कंपेयर करें तो भाई वो भी मेरे को ओवरप्राइज्ड लगा, इतना परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं है, वो भारी भी है बड़ा भी है। एक तो उसके अंदर बैटरी बेटर मिल जाती है 99.9 वाट आर की, इसमें 90 वाट आर है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड यहाँ पे डिस्प्ले का भी डिफरेंस है, उसके अंदर मिनी LED डिस्प्ले है जो IPS लेवल से डेफिनेटली बेटर है, लेकिन इसी वाले लैपटॉप का एक और वेरिएंट भी है 285,000 का जिसके अंदर आपको मिनी LED डिस्प्ले मिलेगी, 1100 nits की ब्राइटनेस मिलेगी और उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी तगड़ा है। और अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें GE Raider से तो डेफिनेटली 285,000 में इसका वो वाला वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप i9 13 जनरेशन का HX सीरीज का लैपटॉप ढूंढ रहे हो विद 4080 या 4090 तो भाई Strix Car सीरीज आपके लिए आज की डेट में सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है जो हमने रिव्यू करे उसके हिसाब से। लेकिन एक लैपटॉप हो रहा है Acer Predator Helios 16 जो आपको i9 13900 HX के साथ मिलेगा, इसके अंदर 980 है पर परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर भी आपको 4080 मिलेगा, 240Hz की डिस्प्ले मिलेगी, 90 वाट आर की बैटरी मिलेगी, IPS है, 500 nits है, एंड थर्मल्स की बात करें तो इससे बेटर थर्मल्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, वो भाई Strix Car से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, 250,000 में आपको मिलेगा, लाइक आपके 30,000 रुपीज बच रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, ब्रांड टू ब्रांड लोगों का ट्रस्ट होता है, कुछ लोगों का Asus के ऊपर ट्रस्ट है, कुछ लोगों का Acer के ऊपर है, तो आप वो वाला ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। उसका लोअर वेरिएंट हमने 4070 वाला रिव्यू कर रखा है चैनल पे, वो रिव्यू आप कंसिडर कर सकते हो, और 4080 वाली चॉइस अगर आपको बनानी हो ये रिव्यू देखने के बाद तो आप बना सकते हो। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। इस लैपटॉप के बारे में कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, मेरे बारे में कुछ बोल रहा हूं जो मर्जी कमेंट सेक्शन में लिख देना, और हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।